हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है ACE 16XW हाइड्रा क्रेन मशीन। ये एक हैवी इक्विपमेंट है जो कि इंडिया के अंदर बनता है। ACE जिसका फुल फॉर्म होता है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE ये एक इंडियन मटेरियल हैंडलिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। और ACE हैवी इक्विपमेंट के लिए मशहूर है। फरीदाबाद इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और इसे वर्ल्ड वाइड सेल किया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में सेल किया जाता है ये वाला हाइड्रा क्रेन। और ACE के और भी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। और ACE जो बनाती है एग्री इक्विपमेंट्स, क्रॉलर क्रेन्स, कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग बूम्स, बुलडोजर्स, ट्रक्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स, बैको लोडर्स, फॉकलिफ्ट ट्रक्स, पिलिंग रिंग्स, वाइब्रेटर रोलर्स, टावर क्रेन्स, रोड इक्विपमेंट्स, वाटर हाउसिंग इक्विपमेंट्स और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ACE मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ACE कंपनी इंडिया के अंदर तकरीबन 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है एक साल में और 9,000 ट्रैक्टर्स बनाती है पर ईयर। और ACE के जो प्रोडक्ट हैं वो 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड अर्थ मूविंग मशीनरी। मेनली ये कैटेगराइज किए गए हैं एशिया पैसिफिक, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका रीजन्स के लिए। 2019 में कंपनी ने रैंक किया था 223 नंबर का और फॉर्च्यून मैगजीन में इसका नाम आया था नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ मिड साइज इंडियन कंपनीज़ में इसका नाम आया था 223वें नंबर पर। और अगर बात करें स्पेसिफिक ई वाले मॉडल की तो ये है हाइड्रा क्रेन 16XW पिकअप एंड कैरी क्रेन्स। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो तकरीबन 14 लाख से 17 लाख रुपये तक के बीच में आपको ये पड़ती है। 16 टन हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, इसे मोबाइल क्रेन भी कहा जाता है। और ये मशीन 14 टन में भी आती है जिसमें आपको 14 टन लोडिंग कैपेसिटी मिलती है और ये वाली है 16 टन लोडिंग कैपेसिटी के साथ। और इसका जो बूम है वो तकरीबन 50 फीट तक ऊपर जा सकता है, 50 फीट के रेंज है इसकी बूम की। फुल हाइड्रोलिक मशीनरी दी गई है और इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग लिफ्ट सिलेंडर मिल जाते हैं विद डबल एक्टिंग स्टेयरिंग सिलेंडर के साथ। इसमें आपको स्टेयरिंग देखने को नहीं मिलती, इसमें लीवर्स दिए गए हैं स्टेयरिंग की जगह। काफ़ी सुपीरियर ग्रेड की मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ऐसी मशीन बनाने के लिए जो कि क्रेन्स मशीनरी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही हैवी जो मटेरियल है, हैवी ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया जाता है। और इसमें कंपोनेंट भी काफ़ी हैवी लगाए जाते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो मशीन है वो काम भी काफ़ी डेंजरफुल करती है। इसलिए इसमें हैवी इक्विपमेंट देना और हैवी मटेरियल के यूज़ करना ज़रूरी रहता है। और इसमें जो फ्रंट की व्हील्स दिए गए हैं वो है 12x20 की साइज में आते हैं, 12x20 इंचेस के इसमें व्हील्स दिए हैं फ्रंट में। और ये देख सकते हैं आप इसका बूम जो कि फुली हाइड्रोलिक बनाया गया है, काफ़ी हैवी है ये। और ये इसकी हाइड्रोलिक मशीनरी। आगे 4 टायर मिलेंगे और पीछे बड़े साइज़ के 2 टायर्स दिए गए हैं 14x25 के पीछे की साइड। और ये देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीनरी, इसी से ही 50 फीट तक ऊपर ले जा सकते हैं बूम को। और आप टायर व्हील्स के सस्पेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है। हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी दी गई है, कंज्यूम लेस फ्यूल, जो फ्यूल की बचत है वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से दी गई है। ऐसे इसमें टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ना करे। और ये दी गया है एयर फिल्टर। और इंजन की अगर बात करें तो इसमें ACE A65 फोर सिलेंडर B3 इंजन आता है, वाटर कूल डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 61 BHP की पावर, 45 kW एट 2200 RPM 2200 RPM पर। हैवी ड्यूटी स्लाइडिंग मैश दी गई है, 6 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स स्पीड विद हाई एंड लो रेंज सिलेक्टर के साथ। क्योंकि आपको इसमें स्टेयरिंग व्हील देखने को नहीं मिलती इसलिए लीवर्स दिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप 14x25 का ये जो पीछे का व्हील दिया गया है 14x25 रेशियो में, ये साइज़ है व्हील का, रियर व्हील का। 28 km/h की स्पीड से दौड़ सकता है अगर इसमें कोई लोड नहीं है। अगर विदाउट लोड है तो इससे ज़्यादा की स्पीड ये जा सकता है। और यहाँ पर भी हाइड्रोलिक मशीनरी दी गई है जो इंजन को लेफ़्ट एंड राइट मूव करने में हेल्प करती है।
और अगर स्टेयरिंग फंक्शन की बात करें तो लीवर ऑपरेटेड आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है विद 55 आर्टिकुलेशन आइदर साइड एंड टर्निंग रेडियस है 6.5 मीटर्स, जो कि कंट्रोल करती है आउटर रियर व्हील्स को भी। काफ़ी शानदार स्टेयरिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। और ये दी गई हैं LED लाइट्स फ्रंट में, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर्स। और अगर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो एयर ऑपरेटेड S-CAM डुअल ब्रेक सिस्टम दिया गया है ऑन फ्रंट व्हील्स एंड एयर ऑपरेटेड डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं रियर व्हील्स पर। जो रियर व्हील हैं उनमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। और ये लिफ्टिंग के लिए काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुक दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं। सिंगल पैडल के थ्रू आप रियर व्हील्स के ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हाइड्रोलिक्स की बात करें, हाइड्रोलिक मशीनरी, तो फिर इसमें गियर इंट्रा वेन टाइप मेन पंप दिया गया है, हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक फोर स्पूल कंट्रोल वाल्व विद बिल्ट इन रिलीफ वाल्व के साथ, 100 मैश साइज हाइड्रोलिक सक्शन दिया गया है, सक्शन लाइन विद 25 माइक्रोन फुल फिल्टर के साथ, 2 डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट सिलेंडर, 2 डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक स्टेयरिंग सिलेंडर एंड 1 डबल एक्टिंग एक्शन हाइड्रोलिक सिलेंडर। 3 पार्ट में आपको बूम मिलता है जो कि 1 बाय 1 एक के बाद एक खुलता जाता है। और यहाँ पर दिए हाइड्रोलिक सिस्टम्स एंड तकरीबन 125 लीटर की हाइड्रोलिक फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है इसमें। और ये देख सकते हैं आप इंजन कंपार्टमेंट। और इसके जो हाइड्रोलिक बूम्स हैं उनको फुल ओपन होने में तकरीबन 18 सेकंड का टाइम लगता है। और जब बूम लिफ्टिंग होती है, जब किसी सामान को ऊपर पहुंचाया जाता है, तो तकरीबन 20 सेकंड लगते हैं, 66 फीट तक ऊपर पहुंचाया जा सकता है। और जो इसका आगे वाला होस्ट है, अगर उसकी स्पीड की बात करें तो 50 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाता है वो। एंड तकरीबन 45 लीटर तक आप इसमें डीजल फिल कर सकते हैं, डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स। फुल ग्लास केबिन बनाया गया है, इंटीरियर केबिन, आसपास पूरे आपको टफ एंड ग्लास मिलेंगे, टफ एंड ग्लास विंडोज चारों तरफ, कुछ इस तरह का दिया है केबिन इनसाइड। एंड अब चलिए केबिन के अंदर चल के देखते हैं तो क्या क्या इसमें फीचर्स दिए गए हैं इंटीरियर्स में और केबिन में। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गए हम केबिन के अंदर। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको मीटर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ऊपर की तरफ रूफ़ दी गई है। आसपास की विंडोज़ कुछ इस तरह की फुली पैक विंडोज़ बनाई गई हैं, फुल हार्ड टफ एंड ग्लास के साथ। और ये दिया गया है लीवर, गियर, और यहाँ पर दिए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मीटर्स, मैनुअली ऑपरेटेड गियर लीवर्स दिए गए हैं। और इसकी जो सीट है, ड्राइवर सीट, वो 360 डिग्री घूमती नहीं है जैसे GCB में घूमती है, इसमें फिक्स रहती है। और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी स्टेयरिंग, क्योंकि लीवर दिए गए हैं स्टेयरिंग की जगह। सामने की तरफ आप बैटरी देख सकते हैं, बैटरी रखी गई है। और कुछ इस तरह का दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पर आपको LEDs ओपन करने के भी स्विच मिल जाते हैं। और भी कई सारे फंक्शन दिए गए हैं मीटर की जगह पर। और कुछ ये स्पेस निकल के आती है केबिन में। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑडियो ओवरलोड इंडिकेटर, हाउस फेल्यूर प्रोटेक्शन, ऑडियो ओवर होस्टिंग इंडिकेशन, सेफ्टी ब्रेक्स एंड सिलेंडर गार्ड जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और इसका जो केबिन बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि आसपास भी आप नज़र रख सकें चारों तरफ। वाइड व्यू केबिन दिया गया है विद रोटोमोल्ड कॉनोपी के साथ, फ्रंट टायर प्रोटेक्शन, फ्रंट एंड रियर में आपको वर्क लाइट्स मिलती हैं विद रिफ्लेक्टर्स, टूल किट के लिए कंपार्ट इसमें बनाया गया है, 2 बड़े साइज के बॉक्स दिए गए हैं जिसमें आप टूल किट रख सकते हैं, वाटर टेम्परेचर सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है, RPM मीटर कम हावर रिकॉर्डर भी दिया गया है। और इसमें दिए गए ऑप्शनल इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें 4 पार्ट बूम दिया गया है विथ 3 पार्ट हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल पावर एक्सटेंडेड के साथ, एंड तकरीबन 14,200 kg वज़न है इस मशीन का। काफ़ी शानदार कॉमर्शियल व्हीकल ये बनाया गया है। तो आपको कैसी लगी ACE HydraCrane 1610 मशीन, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।